ये मेहंदी किसने लगाई है आपकी इतनी प्यारी? वाओ, ये ऊपर तक लगाई है, किसने लगाई थी? वाओ, अब उधर पकड़े 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 पकड़े, ये सारा पीना ठीक है सर, आप भी लें कावा, ये सारा पीना है और आराम से, थोड़ा गर्म है। अब उधर की और अहमद की तबीयत जो है ना काफी खराब है, जुकाम जो है लग गया हुआ है खतरनाक किस्म का, तो अभी भाभी जो है कावा बना के लेके आई है। दिखाएं अहमद आपने कितना खत्म किया। वाह, और आपने, आप अभी उधर ही है सर? यार मजे का है, अब ठीक हो जाएंगे, पिए ना। वो देखो अहमद पी भी गया, खाने पीने के मामलों को लेके अहमद जबरदस्त है। ये लड़का जो है हमारा थोड़ा नखरेबाज है। यार पी भी जाओ यार, अब तक आपने पी जाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो बच्चों अभी हम कहाँ जा रहे हैं? यस, बच्चों के बाल जो है ना थोड़े बड़े हो गए हुए हैं, तो अभी इनको मैं लेके जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए। तो आज बारात डे है, मैरिज हॉल बुक किया हुआ है, तो यहाँ से हम मैरिज हॉल जाएंगे और दूल्हे वाले वहाँ से आएंगे। क्यों नहीं करवानी टिंडर? अहमद भी करवाएगा आपके साथ और हजैफा भी। अब उजर ने तो करवानी करवानी है ना। अहमद आप भी तैयार हो? सबसे पहली बारी थी अहमद की आई है बाल कटवाने की, फिर उसके बाद आपकी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद एंड पे हज़ैफ़ आएगा। इधर हम दान बैठ गया है, अहमद के बाल कट गए हैं, तो अभी बारी है बुजुर्ग की। बुजुर्ग रेडी हो जाओ भाई, बुजुर्ग की थोड़ी तबीयत डाउन है, खड़े हो जाओ। उठे 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 उठे, बारी आ चुकी है आपकी जी। बाल कटवा के घर वापस आ चुके हैं, अभी इनको नहाना पड़ेगा जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है जी सर्दियों में। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, फिर हमने शादी पे भी जाना है। अभी जी शादी की तैयारी हो रही है, ये बेसन लगाया जा रहा है चमचे के साथ, थोड़ी ये साइड चिट्टी हो जाएगी, एनजी रहेगी यार, जा चिट्टी हो जाएगी तो की चाहिए। अम्मी जान ने भी बेसन लगवाया है और मैंने भी, भाई मुदसर अभी लगवा रहे हैं, भाई मुबशर लगवाना नहीं चाह रहे, बेसन वाली कड़ी खा ली है। कैसा फील कर रहे हैं आप? मेरा तो मुंह जो है ना एकदम अकड़ गया हुआ है, मेरा भी ऐसे ही है भाई, मुदसर का मुंह ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने सालन जो है ना वो लगाया हुआ है। हालांकि घर में गर्म पानी है लेकिन उम्मेहानी ने फिर भी अपना सर ही धोया है, उम्मेहानी नहाई नहीं है। मैंने कल भी बाल साफ किए थे, परसों नहाई थी, आज फिर से। हमारी लाडो रानी रेस्ट कर रही हैं, सब सेंट पे तैयार होंगी हैं और सबसे पहले पहुंचेंगी शादी पे। अभी जैसे ही पानी मेरी स्किन पे टच करेगा ना, अजीब सा सुकून मिलेगा, अभी स्किन जो है ना एकदम अकड़ गई हुई है, फिर ऐसे खुल जाएगी स्किन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिट्टा निकला था किन्ना ये ले भाई जान। थैंक यू। अभी पता नहीं है ब्लैक के ऊपर प्यारी लगेगी कि नहीं। ठीक है, ये है जी उमेहानी जो कि तैयार हो चुकी है। वाओ माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। रिक्वेस्ट आई है कि तस्वीरें बनानी हैं, तो अभी मैं जरा बस उमेहानी की तस्वीरें बना लूं। हाँ जी अबू जी। हाँ जी, तैयारी पूरी है फिर? और तैयारी की तैयारी है, मैं आते टिका पे आ रहा हूं। क्यों? मैं ना हूं जरा काम खींच के रखो, छेती छेती जरा तैयार शहर हो फिर चलिए। आहो तैयार होने, टाइम टाइम जाएंगे, टाइम टाइम वापस आएंगे। मैरिज हॉल का टाइम जी 5 बजे का हमें मिला हुआ है, टाउन ही जाना है 5 बजे, हमने वहां पे होना है, तो 4 बजे घर से निकलेंगे, 5 बजे सुकून से हम वहां पे पहुंच जाएंगे। साडा टब्बर भी वड्डा, इन्होंने पहुंचाना भी है उथे। आहो ये भी बहुत औखा काम है, फैमिली थोड़ी बड़ी है तो सारी फैमिली को वहां पहुंचाना भी मुश्किल है। काली तो कल मैं करा लिया है, ये चिट्टी का मैंने मुझे पता वो शाम। 3 हो चुके हैं आपके सामने ही है, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं, लेकिन भाई बशर जो है वो तैयार हो चुके हैं क्योंकि वो पहले जाएंगे, अभी बस रेडी हो गया ना वो, तो अभी बाइक लेके वो निकल जाएंगे मैरिज हॉल, पहले पहुंचेंगे जाके देखेंगे क्या हिसाब किताब है। माशाल्लाह तो सारे लगता है, एक्सरसाइज करने भी पेट पेट घट हो जाता है, डाइट करने भी पता कि नहीं करने। माशाल्लाह जबरदस्त ठंड लगेगी, तो वो जो कोट उतारा वो पहनेंगे और ऊपर जैकेट पहनेंगे ब्लैक कलर की। माशाल्लाह जबरदस्त सर जी। ये रही जी मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया भी तैयार होना शुरू हो गई है, साथ रो भी रही है मेरी गुड़िया, मुश्किल काम है मेरी जान बट करना पड़ेगा। अबू जान भी भाई बशर के साथ जाएंगे, तो अबू जान भी तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह जबरदस्त। मजा आ गया, मजा आ गया। किन्ना जान मेरे नाल बच्चा
शरीको ऐ देखो साडे बुआ है तैयार हो गए जरा चले शरीके च पता मैं मजाक कर रहा था अम्मी जान को तंग कर रहा था कि देखो शरीको अबू जान कैसे लग रहे हैं मुझे अम्मी जान तो मैंने कहा मजाक में तभी मैं भी तैयार होने लगा हूँ कमीज जो है पीछे सिस्टर जो है इस्त्री कर रही थी इस्त्री हो गई है अभी नहाते हैं पहनते हैं भूख लगी रहती है हर टाइम मेरे काके को पहने पहने जूता हम बहुत लेट हो रहे हैं ये मेरी ब्रीरा कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह सदके मैं अड्डे सोने पूरे शूज लेके आया था उसका ही कसूर है वो कह रही थी मुझे आगे अंगूठा लगता है चलो फिर उन्हें कुछ दो बेच ताक पूरे हो मेरे साथ जाएंगी जी अम्मी जान और भाई मुबशर की दो वाइफ्स भाई मुबशर ने दो शादियां की हुई है माशाल्लाह फिर बड़ी भाभी की बेटी और छोटी भाभी की भी बेटी यानी अरफा इस गाड़ी में जाएंगी सही है बाकी जो दूसरी गाड़ी है उसमें भाई मुदस्सर उनकी वाइफ बच्चे हमदान हजैफा और उम्मेहानी काम में नहीं चाहता था वही हुआ है ये पता नहीं कहाँ से लग गया व्हाइट कपड़ों का ये स्याप है जैफा अपने भाई मुदस्सर के साथ जाना है उसके पहुंच जाएं आप उम्मेहानी को भी साथ ले जाएं सही है मेरी अम्मी जान ने जी मैचिंग की है अबू जान से सही अबू जान ने व्हाइट पहने हैं तो अम्मी जान ने भी व्हाइट यहाँ तक व्हाइट के अम्मी जान का ये जो वॉलेट है ना क्लच आई थिंक इसे बोलते हैं खवातीनों के वो ये भी व्हाइट है देखें जी मेरी अम्मी माशाल्लाह आज ज्यादा जो कपड़े पहने गए हैं ना वो व्हाइट और ब्लैक भाई मुबशर व्हाइट मैं ब्लैक भाई मुदस्सर ब्लैक अबू जान व्हाइट अम्मी जान व्हाइट मेरी अरफा व्हाइट भाभी ने व्हाइट पहने हैं सिस्टर उधर से आएंगी अपने घर से उन्होंने ब्लैक पहने हैं उनकी बेटी उर्वा उसने ब्लैक पहने हैं ब्लैक व्हाइट जिस गाड़ी में हम जाएंगे वो व्हाइट है और दूसरी वाली गाड़ी जो है वो ब्लैक व्हाइट तैयार हो हमारी चलिए फिर निकलो फिर बाहर अम्मी जान गाड़ी में बैठ भी गई हैं वाओ मेरी दवा ने नॉनली परी अम्मी जान को ऐसा फील हो रहा है कि उनकी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो रही है लेकिन अम्मी जान ने एक पैनाडोल की गोली जो है ना वो खा ली है अम्मी जान कह रही पूरा जिस्म जो है ना मैं दर्द कर रहा है लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अम्मी जान ठीक ही रहेंगी माँ जी ज़रा अपनी परी फड़ियो हाँ जी देखो मैचिंग आई नहीं आई कि इन्हें कितने जाना है भाई जो ब्लैक पहन के आए थे कोट वो मैंने ले लिया है और अभी भाई पहनेंगे रेड वेस्टकोट हां जी हूँ हो गया लोया काम सर मेरे ख्याल हम जी पहुँच चुके हैं अभी टाइम हुआ जाता है जी मिलने का और फल लो है अपनी अपनी मदद हाँ जंग लगी दी है हमारी तरफ से जिन बंदों ने मिलनी करनी है ना वो आगे आ चुके हैं उनमें अबू भी शामिल हैं ये होने लगी है जी मिलनी मुझे नहीं पता ये क्यों होती है क्या है इसके पीछे रीजन मिलनी हो गई अभी सब बैठेंगे उधर अभी मैं जा रहा हूँ अपनी छोटी सिस्टर को लेने के लिए यानी जकी की मम्मा जकी के बाबा सबको तो वो बाहर खड़े हैं मेरा इंतजार कर रहे हैं ज्यादा दूर नहीं है उनका घर ओए अगे देखो भाई अगे भेड़े कितनी प्यारी लग रही है आती हुई और सनसेट देखे माशाल्लाह उस्ताद वेख के किते कोई और काम ना पाई तेरी मेहरबानी आ ब्लैक कार आपको नजर आई है ना इसमें भाई मुदस्सर और ब्राइडल्स हैं वाओ ब्लैक ब्लैक वाओ आ गया जी जिदा सानू इंतजार ही बस हुण वेखो हुंदा की इत्थे हां हां आयो 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 वाओ बड़ी मैचिंग की आपने वाओ वाओ भाई माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं आप तो رکھنے والے جو آج اس خوشی کے موقع پر نہیں ہیں اس دنیا سے جزاک اللہ تمام کی بخشش فرما رب العالمین ہم سب سے فاطمہ بنت ایمان فرما مولا ہمارے حال پر رحم و کرم نازل فرما رب العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں دونوں بھائیوں کی دونوں گھروں میں خوشیاں عطا فرما دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما نکاح ہو گیا ماشاءاللہ ابھی سب جو ہے مبارکباد دیں گے स्नो वाइट आज नहीं स्नो ब्लैक के काम देखें वाह पैसे लाभ के अंदर जूस लाए हैं निकाह के बाद जी माशाल्लाह खाना उन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया है सबसे पहले स्टीम चिकन स्टीम
भाई दसा ने सारे पट चुक लेने जकी नू दे ओ जी। जकी बाबा, जकी को कैद करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है मोबाइल। ये है ऑफिस और सामने है ब्राइडल रूम, लेकिन ब्राइडल्स को उन्होंने ऑफिस में बिठा दिया हुआ है। तो खाना तो उधर खुल चुका है, इतने मेरी खाला है, दो मेरी पने में लग दी ने खाला, तीन पने मेरी इतने ने। तो मैं फिर सोचा कि इतने मैं रोटी खा ला, उतने की पता मैंने कहने पूछना भी है कि नहीं। खाला पा के दो मैं जरा। स्नो ब्लैक, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, ऊपर तो देखो यार, ये मेरी प्यारी गुड़िया। और अपना जूता दिखाओ जो जिद करके लिया था। वाह माशाल्लाह, यू लुक गुड ब्यूटीफुल माशाल्लाह। पैसे तो दिखाएं कितने हैं। अच्छा ये सुर्खी रखी, पैसे दूं? बोले अपना पर्स ये डालें। माशाल्लाह यस, बंद कर दें अभी। ये खाला ने मेरे लिए चावल और सालन डाला है। सारा खाना जो है ना माशाल्लाह जबरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है, कमाल कर दिया हुआ है माशाल्लाह। तो पूरा हक अदा कर दियो माशाल्लाह। और भाई जान तू सुना जबरदस्त, सारे मामला सेट। हाँ जफा खाना खाया? किधर है वो अहमद हमदान अबू जर, खाना खाया? इन्होंने चेक किया बस। ब्रीरा ब्लैक गाड़ी को आग लगा देने गली। वाकई? वो कैसे? वो कह रही थी मैंने वाइट में जाना है, वाइट आ गई, उसे गुस्सा था, स्पेशल माचिस लिया और को कपड़ा भी लिया भाई, उसको आग लगा के उसने गाड़ी में फेंका, बुलाल अंदर था, रोला बड़ा, धुआं अंदर हो गया। मैंने भी पानी फेंक दिया यार, ये तो पूरा फिल्मी सीन हो गया था। के दिन तुम्हारी रातों रात संगीन होना, दबाड़ी दियो यार, सेंज रखे हो। ये जी पाकिस्तान का फ्यूचर इन बच्चों के हाथों में है और इन बच्चों के हाथों में मोबाइल। वाह वाह माशाल्लाह मेरी परियां इज्जत के। हाँ जी जी, खाना खा के सब जो है उठ गए हैं, आपस में बातें बातें कर रहे हैं। कैसा बना खाना? जबरदस्त, मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा। हाँ स्टीम मुझे बहुत पसंद आई है सहेल भाई, आपने ये रेसिपी मुझे देनी है। मैंने स्टीम जो है वो चेक की है, तो मैं उस वक्त सहेल भाई तो कह रहे थे कि खाएं आप भी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ बैठ के खाऊंगा, तो अभी हमारी बारी है खाने के लिए। तस्वीर बाद दुध पिला लो, उठ पैने आयो आयो असलामिया दो, फिर उनको दुध पिलाई के पैसे भी लेने नहीं, दुध पिलाई की रस्म सिर्फ दूल्हे से पैसे लेने के लिए होती है। दूध इसमें बना के लेके आ गए हैं, यहाँ पे आके हम शीशे में जग, शीशे के जग में डाल देंगे। वाह तनु कादी कुछ जड़ी दी है। ये सोने के टॉप्स क्या होता है ये? नोज टॉप्स, टॉप्स ये टॉप्स मिले हैं बस, दैट्स इट, नो मनी। हाँ जी अबू जी, पर जिंदाबाद मुबशर याद अदबा मार दी वाले दा खाना कोई कमाल ही है। थैंक यू अंकल जी, मेहरबानी। बिलाल के काम देखें। राणा साहब उठो, उठो दा, उठ जाओ बिलाल, बुरी बात। अहमद नहीं है? नहीं। तो अहमद ने क्या कहा आपको? तो आप कौन हो? तो फिर मेरी जान ऐसे नीचे लेटी हुई अच्छी नहीं ना लगती। ये हवाई जहाज बना हुआ है, कभी शूज उतार देता तो कभी अपनी पैंट। अभी जी रुखसती होने लगी है, सबसे सैड मोमेंट, एक गाड़ी निकल चुकी है। और मेरे क्या हो गया है गाड़ी में बैठना इसने, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ऐसे मौक़ों पे ना, मैं साइड पे हो गया था भाई। मुबशर भी बहुत इमोशनल है भाई, मुदसर सेम हम तीनों भाइयों का, तो इसलिए फिर हम मौका वारदात से थोड़ा साइड पे ही रहते हैं भाई साहब, क्योंकि नहीं कंट्रोल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जी सब ज़बरदस्त गया और अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी वो मार्की जहाँ मेरी भांजियों की शादी हुई है, तो बहुत ही कमाल का खाना था। उस दिन हमने बताया कोई पैसे नहीं लिए हुए हैं, कि आप सोच रहे हो कि पैसे लिए हुए हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं, नो। जिस मार्की के मालिक हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि जैन भाई ज़रा बाहर से ना थोड़ी सी वीडियो बना दीजिएगा, तो उस दिन हलालाला में हम बस निकल गए, मैं बाहर से नहीं दिखा पाया, बाकी खाना इनका लाजवाब था। तो ये है जी अजवा मार्की, हमारे टाउन में है ये। मैं ये दिखाने के लिए रुका हूँ इधर, क्योंकि मैंने उनको हाँ बोल दिया था, मतलब एक किस्म का प्रॉमिस कर दिया था कि मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा बाहर से, तो इसलिए मैं रुका हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ मैं। बाकी खैर आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।